सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। आपको बताना चाहते हैं, कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पूरे मध्य प्रदेश में संकुल व स्कूल प्राचार्य के द्वारा दुगली नीति बनाकर वह मनमानी तरीके से नियम विरुद्ध जाकर कार्यरत शिक्षकों को स्कूलों से हटाया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंदसौर से अपडेट आ रहा है। मंदसौर मध्य प्रदेश कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पूरे मध्य प्रदेश में संकुल व स्कूल प्राचार्य के द्वारा दुगली नीति बनाकर वह मनमानी तरीके से नियम विरुद्ध जाकर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से हटाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जब से अतिथि शिक्षकों का दुगना पैसा बढ़ाने का और नियमितीकरण का सुना है, जब से बहुत सी स्कूलों के प्राचार्य और वहाँ के शिक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं। उस अतिथि शिक्षक को नहीं रखने के लिए वहाँ के छात्र व छात्राओं द्वारा उस अतिथि शिक्षक के खिलाफ जबरदस्ती उनसे साइन करवाकर और छात्र छात्राओं से बुलवाकर सर पढ़ाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। झूठे झूठ बोलकर और कोई भी मनमानी तरीके से कारण व बहाने बनाकर उन अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जा रहा है जो पहले से कार्यरत थे और अपने व वहीं के नियमित शिक्षक के भाई बहन, पत्नियों, रिश्तेदार, खास पहचान वालों को लगा रहे हैं। अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार ही पुराने अतिथि शिक्षकों को जिसने एक या एक वर्ष से अधिक व जो पूर्व सत्र 2023 में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, उन्हें अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण किया जाना चाहिए, जो कि बहुत सी स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। बहुत से स्कूलों में प्राचार्यों द्वारा ऐसा ना करते हुए और मनमानी तरीके से पुराने अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय, जनसुनवाई, जिला शिक्षा अधिकारी 181 पर शिकायत दर्ज कराने पर प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक के खिलाफ झूठे आरोप दर्ज करवा रहे हैं। निकाले गए बहुत से अतिथि शिक्षकों का कोई निराकरण नहीं हो रहा। इस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी जिलों के स्कूलों में CBI जांच कराई जानी चाहिए और जो अतिथि शिक्षक इस नए सत्र में लग रहे हैं उनके खिलाफ और लगने और लगाने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्कूलों के प्राचार्य और वहां के नियमित शिक्षकों को किसी भी अतिथि शिक्षक से व्यवहार तरीके से बात करना चाहिए और किसी भी नियमित शिक्षक को अतिथि शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहिए। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी स्कूलों में प्राचार्यों को सूचना करें कि अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश अनुसार नियम का पालन किया जाए। बहुत से स्कूलों के प्राचार्य और नियमित शिक्षकों की दुगली नीति के कारण सभी जिलों में इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। मंदसौर, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, नीमच, रतलाम, बैतूल, सीरी, बालाघाट, सीहोर और अन्य सभी जिलों में ये अपडेट आ रहे हैं। गरीब मार जो अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं उनको कोर्ट का आदेश है कि पहले से ही जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है उसी को रखना है और 20 सत्र में किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटाना है दोस्तों। और जो भी नए नए अपडेट आएंगे आप लोगों को जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।